हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज प्रकाश गलांडे फ्रॉम बीएड केयर। आज के विजय यात्रा के अगले एपिसोड में हम देख रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स, हैबिट्स एंड बिलीव्स। एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स, हैबिट्स एंड बिलीव्स मतलब हमारे मन में जो नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक आदतें हमारी होती है, नकारात्मक मान्यताएं जो होती है, उनको हम कैसे उन पर जीत पाए या उनको हम कैसे हटाएं अपने माइंड से, अपने मन से। ओनली द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन योर सबकॉन्शियस माइंड कैन डू इट। हमारा जो अंतर्मन है यही ये इतना चैलेंजिंग काम कर सकता है। ओनली द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन योर सबकॉन्शियस माइंड कैन डू इट। यूज इमेजिनेशन नॉट विल पावर। सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं बनेगा, लेकिन इच्छा शक्ति से ज्यादा स्ट्रांग है हमारी इमेजिनेशन पावर। दोस्तों याद रखना, इमेजिनेशन और विल पावर दोनों का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब जीतता हमेशा इमेजिनेशन है। इसलिए यहाँ पे बात हो रही है कि इमेजिनेशन को यूज करो, विल पावर को नहीं। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे कुछ बातें हो रही है कि कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करें, नेगेटिव हैबिट्स को एलिमिनेट। तो अभी देखो, ये तो कोई फिजिकल प्रोसेस है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने ये एक बकेट ड्रॉ किया हुआ है जिसमें ये ब्लैक डॉट्स जो है, ब्लैक में आपको दिखता है हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आदतें या नेगेटिव मान्यताएं। इनको अगर हमें हटाना है तो कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली हमें शुद्ध पानी इसमें डालते रहना है। धीरे धीरे ये जो गंदा पानी है ये निकल जाएगा और एक समय आएगा कि इस पूरा बकेट में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पानी ही रहेगा। यही प्रक्रिया बिल्कुल हमारे मन के साथ, हमारे आदतों के साथ और हमारी मान्यताओं के साथ भी होती है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इस बात को हम कैसे जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए ये आज का वीडियो है। समझने की कोशिश करो, बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि बी एडुकेयर के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चूज हैप्पीनेस, यू हैव फ्रीडम टू चूज हैप्पीनेस। आपको चूज करना है कि मुझे खुश रहना है। खुश रहना है या नाराज रहना है ये हमारे हाथ में। वी कैन चूज। इफ वी हैव अ चॉइस वी हैव टू चूज। चूज हैप्पीनेस, यू हैव फ्रीडम टू चूज हैप्पीनेस। ईश्वर बोलता है, भगवान बोलता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, खुशी चाहिए तो खुशी चुन लो, अगर दुख चाहिए तो दुख चुन लो, जो चाहिए। ठीक है, सुबह सुबह उठते ही हमें हमारे मन में फ्रेश थॉट्स लाने हैं। क्या थॉट्स? सारे दिन भर में डिवाइन ऑर्डर टेक्स चार्ज ऑफ माय लाइफ टुडे। एक दिव्य शक्ति है जो मेरा कंट्रोल, मेरे लाइफ को कंट्रोल कर रही है। आज एक दिव्य शक्ति मेरे जीवन को नियंत्रित कर रही है। ठीक है, थिंग्स आर गेटिंग बेस्ट, सारी चीजें मेरे जीवन में बेहतरीन हो रही है, होती जा रही है। ठीक है, आई एम लीडिंग अ हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। इस तरह के संकल्प सुबह उठते ही फ्रेश माइंड में ये सारा सोच हमें लाना है अपने मन में। इस तरह के सारे विचार हमको लाने हैं। थिंग्स आर गेटिंग बेस्ट, आई एम लीडिंग अ हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। मेरा जो जीवन है वो हेल्दी है, वेल्दी है और हैप्पी है। इस तरह के जीवन में बिता रहा हूं। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिमान हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान। परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन हम उन्हीं की संतान है तो हम भी तो शक्तिमान है। आई एम अ पावरफुल बीइंग। ठीक है, आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स आई वांट। जो भी जीवन में मुझे चाहिए वो सारी चीजें मुझे मिल रही है। मुझे ये बिलीव करो, पुरानी जो बिलीफ सिस्टम है उसको हटा करके ये बात करना है, आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स आई वांट। जो भी चीजें जीवन में मुझे चाहिए वो मिल रही है। Repeat these auto suggestions throughout the day. ये जो auto suggestions है, स्वयं सूचना जिसको हम कहते हैं, ये दिन में जितने बार हमारा मन खाली होता है उस वक्त आप इस तरह के auto suggestions को repeat करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सारी पुरानी belief systems, negative belief systems और habits और thoughts सारे निकल जाएंगे। जैसे कि ये बकेट अंतिमतः शुद्ध पानी से भर जाती है, गंदा पानी अपने आप निकल जाता है, वैसे ही हमें पॉजिटिव थॉट्स का कंसिस्टेंट करते रहना है और इसी से क्या होगा, और इमेजिन करना है कि मैं कौन हूं, आई एम सक्सेसफुल।
आई एम द बेस्ट, ये सारी चीजें कल्पना करनी है, इन सारी चीजों की कल्पना करनी, यही कल्पना हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन में सत्य करके उतार देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं विजय यात्रा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।